नमस्कार, मैं बसंती साहू मॉम्स किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल में आपके लिए बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तो सबसे पहले वो आपको मिले। ये है लाल चेज, यहाँ पर हम चेज भाजी बनाने जा रहे हैं आज। तो चेज भाजी इस प्रकार के रहना चाहिए, कोमल कोमल और अच्छे से साफ सुथरा रहना चाहिए, ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा वाला नहीं लेना चाहिए। और चेज भाजी को साफ करने के लिए यहाँ एक एक पत्ता ऐसे झाड़ लेते हैं और झाड़ के एक एक जगह रखते जाएंगे। और यदि ज़्यादा बड़ा डंठल है तो इसको तोड़ भी सकते हैं और पत्ती को ले लेते हैं और ऐसे डंठल निकाल देंगे। इसी प्रकार सभी भाजी को झाड़ लेते हैं, एक एक करके झाड़ेंगे। और ऐसे ये पत्ती है, इसका पहचान करा रही हूँ, इसको बोलते हैं चेज भाजी। इसका डंठल लाल होता है और नुकीला नुकीला ऐसे पत्ती रहता है, कटा कटा हुआ, इसको चेज भाजी बोलते हैं। और चेज भाजी को यदि बड़ा डंठल रहता है तो तोड़ के निकाल लेते हैं और छोटा रहता है तो उसी में डाल देते हैं। इसको चेज भाजी को ऐसे डंठल को पकड़ के खाने में अच्छा लगता है, इसलिए इतना बड़ा डंठल इसका रख लेते हैं। तो इसी प्रकार सबको साफ करके रख लेते हैं। भाजी को साफ करके धो लेते हैं। फिर से धो लेंगे इसको, भाजी को दो बार धोना जरूरी है और वेट कर बच जाता है उसके लिए। अभी भाजी को धो लिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, अब थोड़ा इसमें तेल डाल देते हैं। धुला हुआ भाजी को इसमें डाल के पका लेते हैं। दो मिनट बाद पलट लेते हैं। आधा चम्मच लगभग नमक डाल देते हैं। एक बार और ढक के पका लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। इसका पानी के सूखते तक थोड़ा पका लेंगे, तब तक भाजी भी अच्छा से पक जाएगा। ये पानी जो बचा है इसको सुखा लेते हैं। भाजी को निकाल लिए हैं और कढ़ाई को धो के फिर से एक बार चढ़ा दिए हैं। और छोंकने के लिए हमें इन सामानों की जरूरत पड़ेगी। ये दो प्याज काट लिया है हमने और चार से पांच लाल मिर्च छोंकने के लिए और 8-10 कली लहसुन और राई, राई में छोंकने से बहुत ही टेस्टी लगता है। और दो प्याज को हमने काट लिया है। तो चलिए सीखते हैं एक भाजी को कैसे बनाते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तेल डाल देते हैं। प्याज पक जाए उतना थोड़ा तेल डाल देंगे और एक चम्मच राई, कटा हुआ लहसुन, लहसुन थोड़ा ब्राउन हो गया, अब इस टाइम पे लाल मिर्च डाल देते हैं। लहसुन और लाल मिर्च अच्छा से पक जाता है तो बहुत स्वादिष्ट लगता है भाजी के साथ में खाने से।
चाहे तो यहाँ पर आप बड़ी के साथ भी बना सकते हैं। आज हम बिना बड़ी के बना रहे हैं। कटा हुआ प्याज, प्याज ब्राउन होकर पक पक गया तो भाजी को इसमें डाल के छौंका लगा देते हैं और ढक देंगे। और ये पलटा के पीछे तरफ से इसको पलट के धीरे धीरे पकाएंगे। इसको एक एक करके फैलाते हैं, ऐसे तो सब भाजी अलग हो जाता है और पकड़ के खाने में अच्छा लगता है। तो इसे हम ऐसे ही फैलाकर सकेंगे ताकि सभी तरफ से भाजी फ्राई हो जाए और उसका चिपचिपापन है वो चला जाए। तो ऐसे एक एक करके अलग करेंगे भाजी को और ऐसे पकाने से बहुत स्वादिष्ट लगता है। तेज भाजी को कई प्रकार से बनाया जाता है, प्याज डाल के भी बनाते हैं, बिना प्याज के भी बनाते हैं, कई जने बड़ी डाल के बनाते हैं। आज हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं बिना बड़ी के और बिना टमाटर के। ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप यदि चाहें तो प्याज स्किप कर सकते हैं। तो भाजी पक गया, अब इसे निकाल लेते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, छत्तीसगढ़ का ये स्पेशल भाजी है। इसे आप बड़ी के साथ भी बना सकते हैं, छोटा बड़ी डाल के, अदरी बड़ी जिसको बोलते हैं, उसके साथ भी बना सकते हैं, कोई टमाटर भी डाल के बना सकते हैं। हम सिंपल सा बनाए हैं आसान तरीका से और बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो ये भाजी एक एक ठो पक गया रहता है, इसको ऐसे पकड़ के खाने से बहुत स्वादिष्ट लगता है और इस बहुत ज़्यादा इसको काटना भी नहीं पड़ता है, अलग अलग रहता है। इसीलिए इसको पतला सा पीछे करछुल के पीछे से ऐसे पलट पलट के पकाते हैं तो इसका चिपचिपापन है वो भी चला जाता है। तेज भाजी अपने घर में जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।